नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां पर आज गाजीपुर जनपद के हरदासपुर खुर्द में माननीय पूर्व सांसद व वर्तमान मछली शहर के विधायक तूफानी सरोज जी के आगमन पर उनके कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सबसे पहले उन्होंने हरदासपुर खुर्द के वर्तमान प्रधानपति श्यामपत साधु जी के कार्यालय पर अपना समय दिया और लोगों से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला, जिसके बाद अपने हमराही सूबेदार के घर जाकर उनकी दादाजी के आत्मा की शांति के लिए प्रभु परमात्मा से कामना की। साथ ही जब उनसे 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा की गई तो लोगों की क्या तैयारी है 2024 को लेकर? 2024 को लेकर सबसे पहले तो हमारा पार्टी का सम्मेलन 28-29 तारीख को होने जा रहा है और तैयारी की एक कड़ी और सम्मेलन के माध्यम से पूरे प्रदेश में, देश में एक संदेश दिया जाएगा कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इन सब मुद्दों पर विशेष तौर से प्रकाश डाल के लोगों को जो है 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए प्रेरित किया जाए और आगे अभी तो 2024 काफी समय है। पार्टी जो है हर स्तर पे हर बूथ को जीते ये जो है अपना प्रोग्राम बनाएगी। आज माननीय पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक माननीय तूफानी सरोज जी आए थे, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस उद्देश्य से आए? मैं संतोष यादव, ग्राम प्रधान दामोदरपुर, व्यापार मंडल अध्यक्ष जलालाबाद, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। मैं तूफानी सरोज सांसद पूर्व जनपद गाजीपुर के दो बार लगातार रह चुके हैं और फिलहाल में वर्तमान मछली शहर से विधायक हैं। मैं इनके बारे में ही बताना चाहूँगा कि ये लोकप्रिय है, जनता के प्रति काफ़ी समर्पित हैं और आज ये तेरही के रूप में द्वार करने आए थे सूबेदार के घर पे। और लोकप्रिय विधायक, लोकप्रिय सांसद, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जात, किसी मजहब के, किसी प्रकार का कोई गांव हो, किसी प्रकार की समस्या होती है, वहाँ पे हर पल हर वक्त सुख दुख में चलने का काम करते हैं, इसलिए जनता में लोकप्रिय कहते हैं। और ये माननीय तूफानी सरोज पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, इसलिए लोकप्रिय कहे जाते हैं, जो कि हर दल में चलने का काम करते हैं और सबके सुख दुख में चलने की मदद करने का काम करते हैं। और अगली कड़ी में जहां भी रहेंगे, फिर अगले सप्ताह में इनका स्टेटस है, फिर विधायक और सांसद बनने का ऑफर इनको है, जनता लोकप्रिय कहती है। 2024 के चुनाव के नज़रिए से आप इनको कैसे देख रहे हैं? 2024 के नज़रिए से क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, अपने पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और 2024 में भाजपा को फतह करके समाजवादी पार्टी का सत्ता लाने का काम करेंगे। खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड जरूर करें।